तो माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का आपने थंबनेल देखा होगा कि आप लास्ट के अगर 30 मिनट्स का डेटा देखते हैं तो उससे कैसे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट गैप अप गैप डाउन हो रहा है, यानी आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। कैसे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा प्रैक्टिकली फिजिकली, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कि उस चीज़ों को कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है डेटा के आधार पर। ये सब कुछ यहाँ पे बात किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या हमें मैसेज किया था अभी आप 2 डेज पहले का, क्या ये आपको जो है तूफान के पहले एक्सपायरी है, पहले का जो है एक्सपायरी से पहले का जो है उसमें तूफान आने वाला है, क्या मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, निफ्टी मंथली एक्सपायरी कहाँ होगी, क्या ये तूफान के पहले की शांति है। अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट क्या रहा है, गैप अप थोड़ा सा होके वहीं पर कंसोलिडेट हो रहा था, फिर थोड़ा सा गैप अप फिर कंसोलिडेशन। तो वहाँ पर आप और हम जिनको डेटा अगर अंदर के अंदरूनी डेटा नहीं पता है तो हमको यही समझ में आएगा कि ये आपको टॉप में क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कल भी हमने वीडियो पोस्ट किया उसमें हम बताया कि मंडे कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि प्रो दोनों साइड पोजिशन कैरी कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट था वो अगर आप मंडे का देखें तो लगभग, यानी मंडे नहीं एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी मुझे 25,200 के आसपास दिख रहा था जिसकी प्रोबेबिलिटी 83% थी, यानी ये टच करने का जो है वे स्ट्रेंथ कहिए 83% था, 83% जो स्ट्रेंथ था वो मंथली में, वो इंडिकेशन कर रहा है कि 25,200 के आसपास मार्केट की एक्सपायरी होगी। और आप अगर बैंक निफ्टी का देखें वो भी 51,000 के पास था, फिन निफ्टी का भी 23,393 था और मिड का भी आप देखें यहाँ पे जो 13,143, इसके सब के आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं 76%, ये वीकली है, वीकली आप छोड़ दीजिए 83%, यहाँ पे 81%, 83%, यानी बहुत ज़्यादा क्या है हायर चांसेस थे। तो कैसे ये पता चला, इस चीज़ों आखिर कैसे पता चला ये, क्या अगर आप नॉर्मल डेटा देख के पता कर सकते हैं तो 100% नहीं पता कर सकते। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पे तो क्या क्या पता चलेगा, आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे 25,000 पे 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बनाए, यहाँ पे भी 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बना है, 85,000 फ्रेश पोजीशन बनाए, क्या इस डेटा को देख के आपको लगता है कि मार्केट 24,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा। इसके बाद आप देखें 25,000 पे 2,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जबकि यहाँ पे 1,73,000 वन ही पोजीशन बनाए, तो कैसे मार्केट में पता चलेगा, है ना। अगर आप नॉर्मल ऑप्शन चेन देखते हैं तो यही देखेंगे कि यार ये तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको फेस करेगा तो यहाँ पे भी 155,000 है, यानी 24,900 पे 2 लाख, यहाँ पे 53,000 कॉन्टैक्ट है, क्या ये मार्केट में टच कर सकता है, मार्केट आपको गैप अप हो रहा है। अगर आप देखें तो लगभग 100-150 पॉइंट्स मार्केट गैप अप हो रहा है, तो ये कौन सी डेटा के ऊपर, क्या ऐसा कोई डेटा है सीक्रेट डेटा जो हमको ये इंडिकेशन कर सकता है कि हाँ मार्केट में अभी जो है वो आपको लास्ट के 330 आवर्स में ही या 330 में ही इंडिकेशन दे देगा कि हाँ मार्केट में भी गैप अप होने के चांसेस हैं या फिर गैप डाउन होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल 100% है, 100% कैसे है इसके हम बात करेंगे। अभी आप हमारा यहाँ पे थंबनेल देख सकते हैं कि BTST और STVT इस दोनों में कैसे आपको पता चलेगा कि गैप अप एंड गैप डाउन। तो दोस्तों मेरा जो भी सीक्रेट फॉर्मूला है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, बेसिकली ये डेटा कैसे इंडिकेशन कर रहा है ये सब कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, इसके बाद आगे हम चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मैं बात करूँगा यहाँ पर पेन का कि मार्केट का पेन है वो कहाँ पे है, पेन क्या हमें इंडिकेशन कर रहा था। तो ओवरऑल एक हमारा ये क्लासेस का कहिए कि सीक्रेट डेटा है, इसके ऊपर हम यहाँ पे आपको बताएंगे, फिर मैं बताऊँगा कैसे मुझे पता चला, कैसे पता चला कि मार्केट बिल्कुल ही ऊपर ही रहेगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 9:20 को मैंने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया, ऑटोमेटेड होता है दोस्तों, उस समय 24,795 मार्केट था, मार्केट ऊपर हुआ नीचे आ गया। कॉल का जो कॉल साइड का फर्स्ट पेन 24,800 पे था जिसका 50% वेटेज था, सेकेंड पेन था 24,850, यानी मार्केट का डायरेक्शन ऐसे था, फर्स्ट पेन सेकेंड पेन अगर आप देखें तो ऊपर साइड था। अब पुट साइड देखें 24,800 24,850, पुट का भी डायरेक्शन क्या था, ऊपर साइड था, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे, क्लियर है दोनों, यानी मार्केट में हमें क्या है पेन के आधार पे डायरेक्शन इंडिकेशन कर दिया कि ऊपर साइड है थोड़े से, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं था, 50-50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50%। अब मैं हाफ एन आवर बाद की देखता हूँ, लगभग 9:53 में हाफ एन आवर की बात करेंगे यहाँ पे,
इसकी प्रोबेबिलिटी 53, 24,800 पे ही, 24,800 पे 57%, यानी ये क्या है, मार्केट में जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ने लगा कॉल साइड का, यानी कॉल राइटर यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने लगे। पुट साइड की 43 घट गया, 24,800 24,850 डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से 7,587 यानी थोड़ा सा नीचे आया 4-5 पॉइंट, उसी रेंज में घूम रहा था। चलिए अब नेक्स्ट हाफ एन आवर के और 1 आवर्स के देखेंगे, हम लास्ट में हाफ एन आवर का देखेंगे। 10:44 का पेन 24,800 पे 43%, इसके बाद 24,850 41%, यहाँ से पेन क्या हो गया, कम हो गया, 57 से 41 हो गया, 47 लगभग 10% डिक्रीज हो गया। 57 से 41 जो सेकेंड पेन है 850 था वो ज़्यादा डिक्रीज हो गया लगभग 16%, यानी पुट साइड 16% पोजीशन इंक्रीज हो गया 850 पे। 850 आप देखें 43 से 59, 16%, यानी कोई एक ऐसा प्लेयर था जो 850 के पास राइटिंग कर रहा था जबकि मार्केट उससे नीचे था, 823 था, क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर कैसे नीचे की तरफ का डायरेक्शन सोचूंगा, नहीं। चलिए अब आपको नेक्स्ट और मैं हाफ एन आवर के बाद ले चलता हूँ। यहाँ पे आ गया मेरा 11:24 को, 24,849 मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ से 804 से 50 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गया, 51% से ये 62% हो गए, यहाँ से 49 से भी 61%, यानी 12% फर्स्ट पेन में, और यहाँ पे 51 से 61 11% सेकेंड पेन में, जबकि ये अपनी पोजीशन अपनी भी नहीं, अभी जो है पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इनका जो आप कही कि स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। जब स्ट्रेंथ कम हो रहा है दैट मीन्स इधर वीक प्लेयर हो रहा है, इधर पोजीशन क्या है, वीक हो रहा है। अब इसको हम मॉनिटर करेंगे और हाफ एन आवर बाद, 11:24 के बाद 12 o'clock मार्केट 12,849 से 24,849 से 24,823 यानी लगभग 20 पॉइंट नीचे आया, यहाँ 32 से 34, 38 से 44 ये इंक्रीज हो रहा था, आप देख सकते हैं 39, 40, 41 ये आ रहा है, यानी यहाँ पे थोड़े से कॉल वाले पोजीशन हल्के से बनाए, मार्केट को 20 पॉइंट नीचे लेके आ गए, 61 से 58 थोड़ी ही पोजीशन प्लम हो गया, 62 से 50, लेकिन ये पोजीशन आपको इंडिकेशन कर रहा थी अब अपसाइड नहीं है थोड़ा, क्लियर है, कितना क्रिस्टल क्लियर डेटा आपको इंडिकेशन कर रहा है। चलिए मैं आता हूँ लगभग 1 बजे के करीब, 1 o'clock 24,830 मार्केट पूरे रेंज में है, आप बायर हैं तो 100% यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, या करेंगे तो स्कैल्पिंग करेंगे, राइटर के लिए वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है। मार्केट फर्स्ट पेन वहीं पे, प्रोबेबिलिटी 42-44 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 44-45% वहीं पे है मार्केट घूम रहा है, 28 में 56% 55% पूरे मार्केट में जो बायर वो परेशान है। आप समझिए कि इस डेटा को देख के क्या बाइंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि रेंज बहुत छोटा है, 50 पॉइंट का रेंज है, क्या आपको मिलेगा। अब आप BTST कैसे करेंगे, कैसे BTST करेंगे, लेकिन मैं आता हूं दोस्तों 14:17 के डेटा के आसपास, 24,800 पे प्रोबेबिलिटी 45%, यानी पेन का जो कहिए स्ट्रेंथ 45%, मार्केट उसी 10 पॉइंट में घूम रहा है एक घंटे नहीं सुबह से कहिए, इसकी 47% पेन 24,855 53, यानी आप ये पेन देख सकते हैं सेकेंड पेन जो पुट वाला है वो क्या कर रहा है, 850 पे बैठा हुआ है 850, जबकि कॉल वाला क्या है, इनिशियल से मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब मैं आपको जो येलो वाली बैंड है इस पे ध्यान दीजिए, 14:44 यानी 2:44 पे 45 मिनट पहले मार्केट क्लोजिंग से मार्केट वहीं पे है, 24,800 पे फर्स्ट पेन 46%, 24,850 ये 49%। अब आप यहां पे देखें कि ये फर्स्ट पेन था वो 54% है जो 24,800 पे पुट साइड है, लेकिन सबसे बड़ा चेंजमेंट यहां पे हुआ सेकेंड पेन शिफ्ट हो गया 25,000 पे, यानी जहां पे मार्केट है
वहां से 170 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी कोई एक बड़ा प्लेयर आ गया दोस्तों 25,000 के पास। और उसकी वेटेज भी आप देखें 51% स्ट्रॉन्ग है वो, जो 850 यहां पे राइटिंग कर रहा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन? जो अभी प्लेयर आ गया है। अब मैं 3 o'clock का डेटा आपको लेके आता है, 3 बजे 850 40% यहां से पोजीशन घट गया, जबकि मार्केट उसी पे है और ये पोजीशन क्लोज हो रहा है। ये 25,000 पे पोजीशन कोई नहीं छोड़ रहा है, 59% आ गया 59। अब इसके बाद देखिए जो 1508 के पास डेटा बना, ये मार्केट का सीक्रेट था आपको बीटीएसटी करने का, बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो। अगर आप कॉल में करते हैं तो बाय करिए। क्यों? जो फर्स्ट पिन हमारा यहां पे था ये हमें इंडिकेशन कर रहा था कि मार्केट गैप अप होने वाला है, लेकिन यहां पे 1508 पे कंफर्म कर दिया, फर्स्ट पेन आ गया 25,000, मार्केट वहीं पे फर्स्ट पेन जाके बैठ गया, यानी कोई बड़ा प्लेयर जाके चिपक गया 25,000 के ऊपर कि मैं मंडे को 25,000 के आसपास मार्केट लेके आऊंगा। अब इसका वेटेज देखिए 48% 49 50% है, और जो सेकेंड पेन जो पहले फर्स्ट था वो सेकेंड हो गया, उसकी वेटेज 59% 59 60%। 800 के नीचे क्लोजिंग तो होना ही नहीं था, लिख के ले लीजिए कहीं पे भी। तो ओवरऑल दोस्तों ये डेटा इंडिकेशन कर दिया। अब लास्ट में आप देखें जो 1330 क्लोजिंग हुआ, 24,8 56% यहाँ पे 44% 25,000 पे 54% 24,800 पे 56% ये पूरी इंडिकेशन कर दिया कि क्या है ऊपर के। अब आप देखें सेम पेन की क्या थी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पेन सेकेंड पेन 800 25,000 56% 46, ये आपका सेकेंड पेन 24,800 850 पे जिसकी वेटेज यहाँ पे ज़्यादा था। और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी 23,200 पे 65 23,300 पे भी 29% है। अब यहाँ पे 50,400 51,100 पे भी है पेन, ऊपर में आप 12,950 12,900 पे देख सकते हैं। तो ये डेटा क्या इंडिकेशन कर दिया, मार्केट में गैप अप का, आपको हाफ एन आवर पहले। ये सब सारी चीज़ें दोस्तों हमने अपने जो सीक्रेट डेटा है उसमें भी बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा टारगेट, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास अगर सीक्रेट डेटा होगा तो आप 100% मार्केट में बैठे रहेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। आई होप कि आपको धीरे धीरे डेटा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी, आखिर मिलेगी कहाँ? देखिए फ्री में तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन चेन मिल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको अगर सीखना है सब कुछ चीज़ें तो आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप यहाँ पे चलता है जो हमारा नेक्स्ट 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 8 सितंबर से 20 डेज का क्लास होगा 9 to 10 PM। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आई होप कि मैंने आपको जितनी भी डाउट थी कि गैप अप गैप डाउन कैसे होते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। तो ओवरऑल अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शन देखते हैं, देखिए क्या होता है। कंसोलिडेट हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप, कंसोलिडेशन गैप अप, कंसोलिडेशन। आप इस डेटा में ऐसे देख के क्या पता करेंगे कि अपर लेवल पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कोई प्राइस एक्शन आपको बता सकता है कि मार्केट 24,950 या 25,100 या 25,200 या फिर 24,600, कोई भी नीचे एक साइड यहाँ पर टच करेगा प्राइस एक्शन का, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों कौन सा ऐसा इंडिकेटर है, मैं भी उसको ज़रूर फॉलो करूँगा, हो सकता है। तो आप मुझे ज़रूर इसको इंडिकेशन करिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट नहीं कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, कोई यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिप नहीं दिया जाता है दोस्तों। हो सकता है मैं 100% गलत हो सकता हूँ, खुद की एनालिसिस करिए, डेटा को लर्न करिए, उसके बाद एयर में करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।